घूर्णन गति में गति की समीकरण। मान लीजिए t बराबर 0 पर कोणीय वेग ओमेगा नॉट है और t बराबर t पर कोणीय वेग ओमेगा है। कोणीय त्वरण अल्फा इक्वल टू कोणीय वेग में परिवर्तन की दर। अल्फा इज इक्वल टू डेल ओमेगा अपॉन डेल टी। अब डेल ओमेगा यानी ओमेगा में अंतर, तो हम लिख सकते हैं अंतिम माइनस प्रारंभिक, तो ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट अपॉन टी माइनस जीरो। तो हमें मिला अल्फा इक्वल टू ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट अपॉन टी। हम टी को इस तरफ मल्टीप्लाई करें तो अल्फा टी इज इक्वल टू ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट। तो हमें यहां ओमेगा मिलेगा, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। यह हमारे घूर्णन गति की प्रथम समीकरण कहलाती है, जहां पर ओमेगा वस्तु का अंतिम कोणीय वेग है और ओमेगा नॉट प्रारंभिक कोणीय वेग है, अल्फा त्वरण है और टी समय है।